नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पहली बार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। भाजपा को अपार बहुमत मिलने के बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वाराणसी देश का प्रधान चुनने वाली सीट के रूप में जाने लगा है। 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। इसके लिए तैयारियों को पूरा कराया गया है। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने से पहले सोमवार को लगभग 4 घंटे का रोड शो किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जिला कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही काशीवासियों के सामने एक बार फिर सांसद चुनने का नहीं बल्कि देश के नायक यानी प्रधानमंत्री को सीधे वोट करने और चुनने का मौका आ गया है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। इसके बाद काल भैरव मंदिर का दर्शन किए। उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। पीएम मोदी ने डीएम के समक्ष लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी का पर्चा भरा। पर्चा भरने के समय डीएम सह जिला निर्वाचन अधिकारी अपने चेयर पर विराजमान रहे। वहीं पीएम मोदी ने खड़े होकर शपथ पढ़ा। उनमें उन्होंने कहा कि मैंने उम्मीदवारी को लेकर जो भी विवरण जमा कराए हैं वह सही ही है। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में सीएम योगी और पीएम मोदी के प्रस्तावक मौजूद रहे। पीएम मोदी नामांकन फार्म दाखिल करने के दौरान ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के साथ मंत्रणा करते दिखे। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकाला था। पीएम मोदी के साथ वे गंभीरता से चर्चा करते दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज़।